पहले तो ये सुनो यही नहीं अभी और सुनिए एंड जब आपको ये पता चलेगा कि ये वीडियो किसका है ये आवाज किसकी है तो अब आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे। रुको जरा सबर करो। तो एनसीसी में जैसा हमें पता है कि बहुत सारे कैंप्स होते हैं तो हर एक कैंप में बहुत सारे मेडल्स मिलते हैं। आपने बहुत सारे कैडेट्स ने डांस कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, कल्चरल इवेंट्स या फिर ड्रिल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा और आपको एक बहुत ही सस्ती क्वालिटी के कुछ मेडल्स मिलते हैं वहां पे। तो कैडेट्स क्या करते हैं उन मेडल्स को एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं। ठीक है, हाँ अचीवमेंट है बट इतना भी बड़ा नहीं है कि उसको अपने यूनिफॉर्म पर लगा लिया जाए। अब यूनिफॉर्म पर लगाने की बात चल रही है तो ये भी जरूरी नहीं है कि जो भी चीज हमें एनसीसी में मिल रही है उसको हर चीज को यूनिफॉर्म पे लगा लिया जाए। ऐसे तो मुझे थर्ड ईयर में आरडीसी करने के बाद में एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर से एक मिल्टन का बॉटल मिला था जो हम बचपन में यूज करते थे कुछ ऐसा। ठीक है, तो मैं तो इसको भी लगा लूंगा भाई, मेरा अचीवमेंट है। नहीं ऐसा नहीं कर रहा है बट कैडेट करते हैं। कैडेट्स को एनसीसी के अंदर जो भी मेडल्स मिलते हैं चाहे वो सीएटीसी का हो, एटीसी का हो या फिर किसी भी कैंप का, ईबीएसडी का मैं कोई मेडल मिल गया हो गाने में, डांस में, नाचने में, कुश्ती में भी, वो सारे ही मेडल्स अपने यूनिफॉर्म पे लगा लेते हैं रेड बोर्ड के ऊपर। एंड जब वो कैडेट्स उन मेडल्स को पहन के चलते हैं तो कुछ ऐसी ही आवाज आती है। ये हमारे पास दो वीडियो है स्क्रीन पर, आप इन दोनों की आवाज देखो। ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसका मोटिव बिल्कुल भी नहीं है कि हम कैडेट्स का मजाक बना रहे हैं बट उनको अवेयर कर रहे हैं कि आप ये जो मेडल्स पहन रहे हैं इतने वाहियात लगते हैं आपके यूनिफॉर्म पर, आप उससे एक तरह से यूनिफॉर्म का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। अब जैसे सूबेदार नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, तो ये इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात है और नीरज चोपड़ा के लिए भी बहुत ही प्राउड की बात है। अब ये उनका बहुत बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है तो इस तरह तो वो भी अपने मेडल को अपने यूनिफॉर्म पे पहन लेंगे। बट नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज जो मिल रही है, आपको जो भी चीजें मिल रही हैं, आपको अचीवमेंट्स मिल रहे हैं, वो हर चीज यूनिफॉर्म पे लगाई जाए। बट एनसीसी कैडेट्स कहाँ मान रहे हैं, वो तो जो भी मिला, मेडल मिला, सर्टिफिकेट मिला, कुछ केन मिल गया, सब चीज अपने यूनिफॉर्म पे। भाई क्यों ऐसा मत करो यार, बहुत ही बेकार लगते हो आप लोग अगर इस तरह से करते हो तो। एंड इसी से रिलेटेड एक बार एनसीसी जर्नी पेज पर एक पोस्ट भी डाला था तो काफी सारे कैडेट्स को उससे ठेस पहुंची थी, उनको बहुत ही धक्का लगा था, एकदम सदमा जैसा लग गया था कि ये क्या हो गया, इतने टाइम से हम चले आ रहे थे ये सब करते हुए गलत चीजें और हमें कोई टोक नहीं रहा था बट अब टोक दिया। ठीक है, तो काफी निगेटिव कमेंट्स भी आए थे, गाली भी पड़ी थी मेरे को कि ऐसे क्यों कर रहे हो आप। बट हमारा काम है हम कैडेट्स को अवेयर करें कि जो भी गलत चीजें हो रही हैं उनसे दूर रहना है। चलो फिर कुछ डेमो टाइप कैडेट्स के वीडियोस देखते हैं एंड उनके कुछ फोटोज देखते हैं कि कैसे वो बहुत सारे ढेर सारे अपने मेडल्स अपने यूनिफॉर्म पे पहन रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में कुछ कैडेट्स को ठेस पहुंच सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच जाने दो। बाकी हम ऐसे ही अवेयरनेस फैलाते रहेंगे एंड अगर आपको भी ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं और अवेयर होना है एनसीसी के बारे में तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारी टीम को ऐसे ही और वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे सेफ एंड जय हिंद।